इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंतर्गत हमने जो फर्स्ट स्टोरी थी एक सीगल के उड़ने की, उसको बहुत अच्छे से समझा था। और आज हम इसके अंतर्गत इसका पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन जो है उसकी स्टोरी सुनेंगे और समझेंगे। आज आपके पार्ट 2 का नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सेस ने। यहाँ पर एफ आप कैपिटल कर लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. क्या बोल रहा है लेखक? बोल रहा है कि मैं ऊपर जब जा रहा था तो मेरे पीछे जो चंद्रमा था, जो मून था, वो पूर्व की ओर जा रहा था। The stars were shining in the clear sky above me. और मेरे ऊपर बहुत खुले साफ आसमान में सितारे और तारे चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. उस दिन वहां पर आसमान पर एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोते हुए ग्रामीण क्षेत्रीय इलाकों के ऊपर से गुजर रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. और मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज जो था वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ के लिए चला रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. और वो कह रहा था कि मैं सपना कर रहा था कि हाँ, अब मैं अपनी छुट्टियाँ कहाँ बिताऊंगा? अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। मैंने उस समय अपनी घड़ी में देखा 1:30 in the morning, सुबह के 1:30 बजे हुए थे। I should call Paris control room. मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को I should call Paris control soon. मुझे तुरंत ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने ऐसा सोचते हुए, जैसे मैंने एरोप्लेन के कोने की तरफ जो नोक नुकीली दार होती वहां से देखा, तो मुझे बड़े शहर की लाइटें चमचमाते हुए मेरे सामने दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और जैसे उसने स्विच किया, रेडियो का स्विच ऑन किया, उसने क्या बोला कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 यहाँ पर है, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और मैं अपने इंग्लैंड जाने वाले रास्ते पर हूँ, ओवर। The voice from the radio answered me immediately. और जैसे उसने रेडियो को बोला, कॉल किया, उसी समय रेडियो ने भी इमीडिएटली तुरंत ही आंसर किया, DS-088, I can hear you. DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 degree west now. DS-088, over. और तुमको अब 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ना होगा। DS-088, समाप्त। इस प्रकार से आगे देखें क्या होता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब क्या किया उसने? उस मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया, दिशा नियंत्रक को, और कहां स्विच किया? अपने सेकंड लास्ट जो फ्यूल टैंक रहता है हवाई जहाज में, उसको चेक किया। और उसके बाद मैंने 12 डिग्री पश्चिम की तरफ, इंग्लैंड की तरफ, अपने डकोटा को मूव किया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन इजी फ्लाइट। और उसने सोचा कि हाँ, अब मैं जल्दी ही इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और मैं अपनी फैमिली के साथ क्या करूंगा? ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता करूंगा, एक बहुत ही अच्छा और बड़े प्रकार का अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन इजी फ्लाइट। और ये उड़ान कैसी थी? बहुत सरल और आसान उड़ान थी।
Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर मतलब वो रास्ता तय करके आ गया था, तो पेरिस अब लेखक के जो एरोप्लेन है उसके 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। तभी उसने क्या देखे, बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल देखे। दे वर ह्यूज, वो बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो कैसे दिख रहे थे, बहुत बड़े बड़े काले पर्वतों की तरफ दिखाई दे रहे थे जो कि मेरे सामने आसमान पर खड़े दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब क्या बोलता है, जब भी फ्लाइट या उड़ान होती है एरोप्लेन की तो उस समय बादल वहां पर नहीं आना चाहिए, और यदि बादल है वहां पर उसको जो पायलट है उसको क्या करना पड़ता, मूव करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसके पास बादलों का बहुत विशाल पहाड़ तो था, लेकिन उस समय उसके साथ दिक्कत क्या थी कि वो उसके ऊपर से नहीं उड़ा के ले जा सकता था, और ना ही उसके पास इतना फ्यूल बचा था कि वो उत्तर या दक्षिण तरफ से मोड़ करके और वापस इंग्लैंड पहुंच सके। इस समय मतलब लेखक के पास क्या समस्या थी कि उसके पास इतना फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं था कि वो उत्तर या दक्षिण की तरफ मूव करके एरोप्लेन को उड़ा के ले जा सके। तब फिर क्या होता है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन लेखक ने क्या उसने क्या सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फिर से वापस पेरिस चले जाना चाहिए क्योंकि सामने क्या है, क्लाउड है और वहां पर हम सेफली फ्लाइट नहीं कर सकते, मैंने सोचा। लेकिन इसके बाद उसकी इच्छा क्या थी, उसको बहुत जल्दी घर पहुंचने की इच्छा थी कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। और उसको वो ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता याद कर रहा था कि नहीं, मुझे वो ब्रेकफास्ट हर हाल में करना ही है। अब क्या होता है, आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। तब उसने सोचा कि नहीं नहीं, मैं क्या लूंगा, रिस्क लूंगा, मैं खतरा मोल लूंगा, और मैंने तुरंत अपने उस पुराने डकोटा एरोप्लेन को स्ट्रेट टू द स्टॉर्म मैंने तूफान में सीधे ही निकाल दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. It couldn't believe. अब क्या बोलते हैं, inside the cloud. अब उसने तूफान की तरफ, तूफानी क्लाउड की तरफ, बादलों की तरफ अपने जहाज को मोड़ दिया, हवाई जहाज को। उसी समय सब कुछ क्या हो गया, पूरा काला हो गया। कुछ भी चीज को देखना impossible था, मतलब वो अपने एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वो जो पुराना हवाई जहाज था वो जंप किया यानी कूदा हवा में और गोल गोल चक्कर काट के घूमा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने उस दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माय आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो दिशा सूचक यंत्र है कंपास वो क्या था, पूरे समय गोल 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 और गोल गोल चक्कर ही काटता रहा, मतलब वो कोई भी दिशा नहीं बता पा रहा था। इट वॉज डेड, वो मर चुका था, वो मृत हो चुका था, डेड हो चुका था, खत्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, और उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट मतलब जितने भी यंत्र थे उस हवाई जहाज के, वो सब पूरे अचानक से बंद हो चुके थे, डेड हो चुके थे। मैंने आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि उस समय सारे यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया हवाई जहाज के, कंपास ने भी वर्क करना बंद कर दिया। तब उसने सोचा कि मैं रेडियो को लगाता हूँ फोन। तब उसने जब रेडियो को ट्राई किया तो बोला, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई भी आंसर, कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी प्राय डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ना तो कोई कंपास था, ना कोई रेडियो था, ना कुछ मुझे बाहर दिखाई दे रहा था, मैं तो सिर्फ उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने देखा कि वो काले बादल जो थे वो बिल्कुल मेरे पास में ही थे। तभी मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट
ऑन इट्स विंग। इसके पंखे जो रहते, विंग रहते थे एरोप्लेन के, उस पर कोई लाइट नहीं थी। फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उस तूफान में अपने बाजू से ही उड़ते उसको देख सकता था। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं उस हवाई जहाज चालक जो था पायलट उसका फेस देख सकता था। टर्न्स टुवर्ड मी, जो मेरे तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं उस समय किसी को दूसरे को देख करके बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि वो बहुत परेशान था और घबराहट भी थी उसके अंदर कि मैं कहाँ खो ना जाऊं तूफान के अंदर। तब उसने एक दूसरे पायलट को देख करके बहुत खुशी महसूस की। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने उस पायलट ने अपना हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, मेरे को फॉलो करो, मतलब मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, वो ऐसा कह रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो जानता है कि मैं गुम चुका हूँ, इसलिए शायद वो मेरी मदद के लिए आया है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर टू मी टू फॉलो हिम। अब क्या किया उसने, अपना जो एरोप्लेन था उसने अपना हवाई जहाज दूसरे ने मेरे डकोटा हवाई जहाज के सामने नॉर्थ की तरफ मूव करके लेके आया, इससे मुझे आसानी होती कि मैं उसको पीछा करते हुए चलता जाता। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एंड एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे चलने में, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा बात मानते हुए पीछे पीछे चलता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। अब आधे घंटे की उड़ान के बाद भी क्या हो रहा था कि वो काला हवाई जहाज जो था वो मेरे सामने ही बादलों में चलता जा रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट सेंट टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब यहाँ पर मेरे डकोटा हवाई जहाज में कितना फ्यूल बचा था, 5 से 10 मिनट की उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे फिर से डर लगने लगा कि पता नहीं मुझे कितने देर तक हवाई जहाज चलाना पड़े, तब क्या होगा, मेरे टैंक में तो कितना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक की उड़ान भरने का फ्यूल है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और जब जैसे ही वो हवाई जहाज ने नीचे जाना चालू किया, मैंने भी उसको फॉलो किया उस तूफान में से नीचे जाना। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक से मैं जैसे ही बादलों के बाहर आया, मैंने देखा कि दो लंबी सीधी लाइनें जो थी वो लाइट की मेरे सामने दिखाई दे रही थी, सीधी पट्टी दिखाई दे रही थी। देयर वो इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, ये क्या था, एक हवाई पट्टी थी, एक रनवे था जिस पर हवाई जहाज लैंड करता है, उतरता है, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब मैंने अपने जो दोस्त बन गया था, वो काले हवाई जहाज का जो पायलट उसका दोस्त बन चुका था, तो उसने जैसे ही पीछे मुड़ के उस काले हवाई जहाज को देखना चाहा, द स्काई वॉज एम्प्टी, आकाश पूरा खाली था।